मेहमानों का भी परिचय आपसे करा देती हूँ, कौन कौन आज मेरे साथ महाभारत में जुड़ा हुआ है, जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि इसे लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल दिनेश नैन, कर्नल शैलेंद्र सिंह, पाकिस्तान से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी जुड़ रही हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ रहे हैं। मैं जरा एक बार सबसे पहले कमिंग टू यू एम्बेसडर वोरा, मुझे ये बताइए, नसरल्ला का खात्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये सिर्फ एक खात्मा नहीं है, ये एक तरह से संदेश है, ये एक स्टेटमेंट है कि घर में घुसकर ठोकेंगे और एक एक आतंकी को, एक एक दुश्मन का सफाया करेंगे, इस नीति को आप कैसे देखते हैं? हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जब होता हूँ, और फिर जो बाकी आपके विशेषज्ञ हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, जरूर सुनूंगा वो क्या कह रहे हैं। ये जो घर में घुस के मारा है, मेरे सामने मेरे हाथ में किताब है, मैं रेकमेंड करूंगा कि मालूम नहीं है कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं, उसका शीर्षक ये मोसाद के बारे में है, ये मेरे मित्र रॉनन बर्गमैन ने किताब लिखी है, राइज एंड किल फर्स्ट, उठिए और पहले आप मारिए। ये जो यहूदी धर्म की जो होली किताब है तालमुड, ये उससे एक फ्रेज लिया गया है, अगर वो आपको मारने आ रहा है उठिए और पहले उसको मारिए। बहुत जल्दी से मैं बता देता हूँ मैडम, 10-15 साल पहले जब मैं रेगुलरली उस एरिया से लेबनन जाता था, तो वहां पे जितने लोग थे सीनियर लोग गवर्नमेंट के चाहे दूसरे, वो सैटेलाइट फोन्स यूज करते थे, सैटेलाइट फोन को ट्रैक करना बड़ा आसान है, तो नसरुल्ला साहब ने उनसे कहा कि हम अपना नेटवर्क मोबाइल सेटअप करेंगे, आप मोबाइल यूज करिए। इसराइल ने उसको पेनिट्रेट किया, फिर उन्होंने कहा अच्छा वो मत करिए, आप पेजर्स और वॉकी टॉकी यूज करिए, वो आपको मालूम है बूबी ट्रैपर उड़ गए, फिर नसरुल्ला साहब बोले तो बड़ी खतरनाक चीज है, हम इन पर्सन मिलेंगे और मैं आपको मैसेजेस दूंगा, जैसे ओसामा बिन लादेन कुरियर के जरिए से अहमदाबाद से भेजते थे। उसके आधार पर इसराइल को पता लग गया, नेतन्याहू बैठे हो या न्यूयॉर्क में, हिज़्बुल्लाह वाले सोचा रहे वो न्यूयॉर्क में गए, अभी कुछ नहीं होने वाला, और मार गिरा। फाइनली मैं इतना ही कहूंगा मैम, मैं सनातनी हूं, हमारी परंपरा में रामायण में 15,000 साल पहले एक अव्वल जासूस भगवान श्री हनुमान ना केवल एक सीक्रेट मैसेज सीता माँ को दिया उस द्वीप में, लेकिन दुश्मन के घर में घुस के आग लगाई। ये हमारी परंपरा है, हमारा सिद्धांत है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा। अब हिजबुल्ला, मेरा ख्याल है मैम, उसके इतने सीनियर लीडर मर गए हैं कि एक पीढ़ी 25 साल उसको लगेंगे वापस आने में। ईरान कहेगा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मार दूंगा, ये वो कह रहे हैं नहीं करेगा, नसरुल्ला गया तो क्या। एग्जैक्टली एम्बेसडर, वो ये कह रहे हैं कि हम अभी खात्मा करेंगे, अभी हिजबुल्ला खत्म नहीं हुआ है, उस तरह के बयानों की एक बाढ़ सी आ गई है। ये क्या एक अटेम्प्ट है कर्नल सिंह, क्या ये एक अटेम्प्ट है ये दिखाने के लिए कि ये नेटवर्क अभी खत्म नहीं हुआ है? इसके मायने क्या है, नसरल्ला का एंड का मायने क्या है, ईरान के लिए भी, हिजबुल्ला के लिए भी और वर्ल्ड के लिए? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, इसका अगर सीधा सीधा एक इंटरप्रिटेशन पूरी दुनिया एंड विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया अगर निकाला जाए, तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक है, अगर तुम टेररिस्ट हो, अगर तुमने दुनिया में मारने का ठेका ले रखा है, तो दुनिया के पास भी यह हक है कि आपको मारने का ठेका दुनिया ले ले। इसराइल ये कर दिखा रहा है, आगे बढ़ चढ़ के दिखा रहा है। मैं तो कहूँगा ऑनरेबल हमारे अम्बेसडर साहब ने तो बड़ी छोटी बात कही कि उठो, उठो क्यों, सिर्फ मारने के लिए उठो। अगर टेररिज्म को टेरराइज करना है तो सिर्फ उस टेररिस्ट की दिन रात सपनों में भी वो टेरराइज होना चाहिए कि कहीं कोई उठ तो नहीं गया, और अगर कोई भी कहीं उठा है दुनिया में वो मेरे खिलाफ उठा है, क्योंकि मैंने इंसानियत की मौत कर रखी है, मैंने इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है वेरी लकीली वी हैव अ पाकिस्तान पैनलिस्ट, आई कैन सी हर, मुझे लगता है वो अपने घर ज़रूर ये मैसेज दें कि ये टेररिज्म अपने आप में, आप अगर तौबा नहीं करेंगे तो शायद किसी और को तौबा करवानी पड़ेगी। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बोला है सर, और मैं एक बार जरा बड़ी खबर भी बता देती हूँ कि नसरल्ला के जो खात्मे से है, खात्मे के बाद ईरान भी भड़क गया है। आरजू काजमी जी को आप देख सकते हैं, कर्नल नैन हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार जी हैं, इससे कैसे भड़का ईरान? ईरान ने OIC की इमरजेंसी बैठक बुला ली है, OIC की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। OIC क्या है? मुसलमान देशों का एक समूह है, 57 मुस्लिम देशों की मीटिंग की तैयारी हो रही, किस पर? नसरल्ला के खात्मे पर ईरान ने यह बैठक बुलाई है। अब इसके मायने क्या है, क्योंकि ईरान लगातार नसरल्ला को
एक ऐसे शख्सियत के रूप में देखना चाह रहा है और मुसलमान देशों को दिखाना चाह रहा है कि उसका खात्मा आप लोगों पर हमला है। अब जरा मैं एक बार आरजू जी के पास चली जाती हूँ, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ करण लैन। आरजू जरा मुझे बताइए, नसरल्ला का खात्मा इसको पाकिस्तान में कैसे लिया जा रहा है, क्योंकि एक OIC की मीटिंग बुलाई गई है। अब यहां पर यह दिखाने की, यह बताया जा रहा है कि लेबनन में घुसकर नसरल्ला को मारा, लेकिन ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं ईरान से जहां पर लोग खुशी मना रहे हैं कि नसरल्ला मारा गया। देखिए, पाकिस्तान में तो अभी तक उसको शहीद बताया जा रहा है, अभी तक तो बड़ा अफसोस जताया जा रहा है, लेकिन जहां तक OIC की कंट्रीज की आप बात कर रही हैं तो OIC की कंट्रीज कभी एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं हुई, ये भी रिकॉर्ड पर है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इस्लामिक कंट्री किसी दूसरे इस्लामिक कंट्री के लिए साथ खड़ी हुई हो। इस वक्त यहाँ पर शिया सुन्नी का जो है वो शुरू हो जाएगा सारा सारी नौटंकी। अब कई अरब कंट्रीज और कई गल्फ कंट्रीज ये सोचेंगी कि क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है तो उसका साथ देना है, उसके लीडर के लिए बोलना है या नहीं बोलना। इस वक्त पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में है कि वो किसका साथ दे। फिलहाल तो हमारा यही चल रहा है कि गलत हुआ है और इसराइल को ही बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन OIC से मुझे उम्मीद नहीं कि OIC कोई भी निकल कर किसी तरह की कोई हल पेश कर सके। OIC की कंट्रीज जो हैं वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं देती। अब ये जो आरजू जी कह रही हैं, वो कह रही हैं कि कभी भी एक OIC का देश दूसरे के साथ खड़ा नहीं होता है। जरा इसे सोचिए जरा, वो ये भी कह रही है एक OIC का देश दूसरे के साथ खड़ा नहीं होता है। यहाँ पर एक भड़काने की कोशिश हो रही है। मुझे जरा कर्नल लैन बताइए, वो शहीद बताना चाह रहा है, ईरान बताना चाह रहा है वो शहीद है। नहीं, पाकिस्तान के लिए शहीद कैसे हो गए, मेरे को ये नहीं समझ आई। हाउ कैन पाकिस्तान थिंक अबाउट इट कि वो इंसान जो है, इंसान क्या, वो जानवर जो है जिसको मौत होनी ही चाहिए थी और उसे फाइनली मिली है, तो वो शहीद, और वो भी पाकिस्तान के लिए कैसे हो सकता है शहीद, पाकिस्तान के लिए कैसे हो सकता है शहीद। मैं उस पर आऊं, एक बार कर्नल लैन जरा बताइए, आरजू का भी कह रहा है वो शहीद है। हां बोलिए आरजू जी, बोलिए। सर वो तो उसामा बिन लादेन भी पूरी शहीद कहा था इमरान खान ने। हमारे यहां तो जो टेररिस्ट होता है वो शहीद होते हैं सर, हम तो मान रहे हैं। मैं चाहता ही आपसे ये था कि सारे टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के लिए शहीद होते हैं। अब मुझे द सैड पार्ट, कर्नल लैन, शहीद बताया जा रहा है पाकिस्तान में। अब मुस्लिम नेशंस को जो बताया गया OIC के लिए बैठक बुलाई गई, अब आप सोच लीजिए क्यों बुलाई गई है, उसके पीछे एक एजेंडा क्या है, इससे सारे तो फर्क क्या पड़ने वाला है। हाँ। 7 अक्टूबर के बाद हमास के ऊपर अटैक हुआ था, तब तो OIC बुलाया गया। हाँ। तो ईरान को समर्थन कितना मिला, कुछ भी नहीं। आज भी वही हाल है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कुछ लोग तो अंदर से बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि ईरान की असली ताकत प्रॉक्सी जो है हिज़्बुल्लाह, हमास, हूती, यही है, खुद के सामने तो आता नहीं। और अब जब टॉप कमांडर्स पूरे के पूरे नेस्तनाबूत कर दिए गए हैं, एक भी नहीं छोड़ा, दो पहले वो क्या था शुरू करके उसको मार दिया था, अब हसन क्रम हो गया। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बुला ले, ये हो तुर्की हो जो भी लोग हैं, ये तो कह सकते हैं कि कोशिश करेंगे कि हम हमें शायद मुस्लिम कार्ड खेल करके मुस्लिम वर्ल्ड के लोग OIC के अंदर लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका यहाँ तक है। लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, अभी शिया सुन्नी का खेल अब शुरू होगा। और रही बात पाकिस्तान की,